let's move towards the second numerical of chapter 3. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम मास नंबर और एटॉमिक नंबर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं. तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल अबाउट हाउ मेनी प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग एटम्स. मैंने आपको इससे पहले पिक्चर में क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है, पेज नंबर 56 में क्वेश्चन मेंशन है. वन बाय वन ए बी सी डी में सॉल्व करूंगी. तो फर्स्ट मैं सॉल्व कर रही हूं ए ऑप्शन, दैट इज नाइट्रोजन. एन मींस नाइट्रोजन, इसका 15 सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट मेंशन है. ठीक है, सबस्क्रिप्ट मींस एटॉमिक नंबर, सुपरस्क्रिप्ट मींस 15 मतलब मास नंबर. यही मैंने आपको लेक्चर में एक्सप्लेन किया था उसी के न्यूमेरिकल का. तो सबसे पहले तो हमें मालूम करना है, वी हैव टू फाइंड आउट प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन. तो बेसिकली सबसे पहले तो हमें क्या क्या गिवन है हमें फाइंड आउट कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक नंबर, दैट मीन जेड इज गिवन 7. सेकेंड थिंग मास नंबर ए इज गिवन 15. एटॉमिक नंबर किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जितने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे यानी 7 उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. गॉट इट, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आपके एटॉमिक नंबर से रिलेटेड हैं. जितने नंबर एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने ही प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स. तो दो चीज तो आपने फाइंड आउट कर ली, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन नाउ द नेक्स्ट थिंग और द नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. अच्छा, ये टॉपिक न्यूट्रॉन्स को बताने से पहले लेट मी डिस्कस अबाउट द फॉर्मूला जो मैंने आपको लास्ट एक्सप्लेनेशन में कहा था, आप उसको याद कर लें. नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला, वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट, हमें फॉर्मूला पता है, मास नंबर ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. दैट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ मास नंबर. लेकिन मैंने क्या कहा था, अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना पड़े तो यही फॉर्मूला चेंज होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना चले जाएंगे यानी मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड. ठीक है, एन हमें फाइंड आउट करना है, मास नंबर ऑलरेडी हमें गिवन है दैट इज 15 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी गिवन है 7. तो हमने जस्ट पुट द वैल्यूज और क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. तो बेसिकली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड. ठीक है, इन दिस वे हमने इजीली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट किए. तो हम इजीली अगर हमें एटॉमिक नंबर मास नंबर सारे गिवन है, इसके थ्रू हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करेंगे एंड बाय पुटिंग अप द वैल्यूज वी कैन इजीली फाइंड आउट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, सो इसी वे में हम बी सी और डी सॉल्व करेंगे. ठीक है, बिल्कुल सेम सिमिलर है, वो मैथ ही पैटर्न है.